आए बच्चे होंगे तो हमेशा की तरह एक वीडियो और गाइस। तो आज का जो हमारा वीडियो है मैं आपको बता दूं, आज जैसे कि आप देखते हैं कि मोबाइल हार्डवेयर में आप बोर्नियो के बारे में जानते हैं, आप प्रग्मा फिक्स के बारे में भी जानते होंगे, तो मैं आज का जो वीडियो है जी गाइस, जो आपने देखा है टाइटल में कि फ्री आपको डायग्राम चलाने को मिलेंगे, तो गाइस फ्री आपको केवल 3 दिन ट्रायल के रूप में मिलेगा, वो भी फुल। आपको मैं कैसे करना है वो सारा कुछ बताऊंगा। तो 3 दिन का फ्री ट्रायल रहेगा, अगर आपको अच्छा लगता है तो बिल्कुल आप विजिट करेंगे, और वो जो नंबर अभी फ्लैश हो रहा होगा साइड में तो उस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आप उनसे प्रेग्मा फिक्स ले सकते हैं, परचेस कर सकते हैं बहुत ही जेन्युइन रेट पे। तो एक नंबर फ्लैश हो रहा होगा, उस नंबर पे आप कॉल करिए और डिटेल लीजिए, सारा कुछ यहाँ पे हो जाएगा। तो चलिए मैं प्रेग्मा फिक्स पहले तो आपको शुरू से लेकर लास्ट तक बता दे रहा हूँ, इसके फीचर्स के बारे में भी बताऊंगा, और ये बहुत ही अच्छा टूल है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, आप अगर बोनी यूज करते हैं तो एक बार आप प्रेग्मा फिक्स टूल को भी यूज करिए, आपको दोनों में डिफरेंस पता चल जाएगा कि एक्चुअल में कौन सा बेस्ट है कौन सा बेस्ट नहीं है। तो चलिए इसके बारे में, सबसे पहले आपको प्रेग्मा फिक्स डाउनलोड कैसे करना है, तो सीधा आपको लिखना है प्रेग्मा फिक्स। प्रेग्मा फिक्स लिखने के बाद जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, आप उसके सीधे ऑफिशियल साइट में पहुंच जाएंगे। ये उनके बारे में क्या अपडेट है क्या अपडेट नहीं है सारा कुछ ये अपडेट देते रहते हैं, सब कुछ यहाँ पे आप मेंशन किया हुआ है फुल डिटेल के साथ। तो आपको डाउनलोड करना है फिलहाल, तो आप देख सकते हैं अपडेट एंड डाउनलोड पे आपको दिखाई दे रहा है। अपडेट एंड डाउनलोड पे जाने के बाद सीधा सीधा जो वर्जन है आप यहाँ पे डाउनलोड कर लोगे, और बहुत इजी इसकी इंस्टॉलेशन प्रोसेस है। जैसे कि आपने डाउनलोड देखा कैसे डाउनलोड करना है, सिंपल तरीके से सेटअप को आपको यहाँ पे कर देना है इंस्टॉल, जैसे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ। यहाँ पे रन प्रेग्मा फिक्स आप कर देंगे तो यहाँ पे आपका जो प्रेग्मा फिक्स है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा बहुत ही सिंपल तरीके से। जैसे ही ओपन हो जाएगा, अब आपको कैसे यहाँ पे सारा कुछ करना है मैं यहाँ पे कर देता हूँ। ये इसका इंटरफेस है। अब आपको फ्री में कैसे चलाना है गाइज, वो मैं आपको पहले गाइड कर दूँ। तो आपको रजिस्टर पे जाना है, रजिस्टर पे जाने के बाद अपना जीमेल डाल देना है, जीमेल डालने के बाद आपको पासवर्ड क्रिएट करना है। तो मैं वीडियो थोड़ा सा पॉज कर दूंगा, हालांकि पॉज नहीं भी करूंगा तो पासवर्ड दिख नहीं रहा है फिलहाल, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, दोबारा डाल देंगे। अब यहाँ पे भी कोई टोकन नहीं है, अगर आपको टोकन मिलता है जब आप इसे लेना चाहोगे तो आप यहाँ पे डाल करके टोकन या फिर रजिस्टर्ड पे क्लिक कर सकते हैं। तो फिलहाल ये हमारा ट्रायल वर्जन था, तो फिर हम यहाँ पे कर देते हैं रजिस्टर्ड, और देखते हैं कि जो हमारा फ्री में होता है कि नहीं होता। देख सकते हैं गाइस, रजिस्टर इज सक्सेसफुल, प्लीज लॉग इन नाउ। यहाँ पे हमारा बहुत ही इजी तरीके से फ्री वाला जो 3 दिन का है, जैसे कि मैंने डाला हुआ है फ्री पेगमा फिक्स स्कीमेटिक डायग्राम टूल। तो चलिए अब फटाक से इसको हम करते हैं लॉगिंग, तो मैं वही अपना डाल देता हूँ गाइस, यहाँ पे लॉगिंग जीमेल डाल देता हूँ, वो पासवर्ड डाल देता हूँ जो मैंने पासवर्ड वहाँ पे बनाया हुआ था। अब सिंपल और सिंपल कर देते हैं लॉगिन। अब इसके इंटरफेस को मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ गाइस, सब कुछ यहाँ पे मैं फुल वीडियो में कैसे डाउनलोड करना है कैसे यूज करना है फ्री में कैसे यूज करना है। अगर अच्छा लगे तभी जा करके आप इस टूल को परचेस कीजिए गाइस, मैं रिकमेंड करूंगा आप इस टूल को परचेस करो, और सारा कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे टैब देख सकते हैं, बहुत सारे टैब हैं, बाकी इन सारे टैब्स को प्रैक्टिकल तरीके से आपको जानना है तो आप ऐसे टेलीकॉम ज्वाइन कीजिए जिसमें आपको परफेक्ट तरीके से स्कमेटिक डायग्राम का नॉलेज, हार्डवेयर सोल्यूशंस, विड मैप, ये सारी चीजें क्या होती है ये सारा आपको कवर हो जाएगा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने से। फिलहाल अगर आप इसको परचेस करना चाहते हैं तो एक डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है ZS मलिक करके, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और उनको आप ये ऑर्डर कर सकते हैं। तो फिलहाल देख सकते हैं यहाँ पे सारा कुछ मेंशन हो गया है, ये डेली अपडेट करते रहते हैं अपने आप को इस टूल को, बहुत सारा यहाँ पे अपडेशन देखने को मिलता रहता है। तो फिलहाल यहाँ पे देख सकते हैं स्कीमेटिक डायग्राम जो हमारा मस्ट है, क्योंकि अगर मान लीजिए कुछ डायग्राम्स बोर्नियो में नहीं है तो आपको मिल जाएंगे प्रेग्मा फिक्स में, जैसा कि आपको मैं बता दूं। तो ज़्यादातर वीवो की अगर मैं बात करता हूँ तो वीवो आप देख सकते हैं गाइस, वीवो में बहुत ही कम ही डायग्राम आपको देखने को मिलते हैं, पर यहाँ पे आप फोन्स को देख सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने डायग्राम्स को डाल के रखा हुआ है X20, X21, और यहाँ पे आप देख सकते हो सारा कुछ यहाँ पे आपको डायग्राम्स मिल जाता है। वीवो Y93, यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉम्पोनेंट नेम वगैरह सारा कुछ यहाँ पे फैसिलिटी, और ये धीरे धीरे
डे बाय डे ये अपडेट अपना कर रहे हैं। तो ये कंटेंट के नाम से, ये जो कौन से सीपीयू है, कौन सा पावर है, कौन सा, यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे मेंशन है। तो आपको यहाँ पे स्कीमेटिक डायग्राम मिल जाएगी, मोबाइल फोन स्कीमेटिक। और अगर हम सोमी की बात करें या वीवो की बात करें, तो यहाँ पे भी सोमी में भी देख सकते हैं काफ़ी सारे मॉडल्स हैं गाइस। ये मॉडल्स आप फ्री ट्रायल पहले यूज़ करिए, अगर आपको सही समझ में आता है तभी जा करके आप उसको लीजिए। तो देख सकते हैं लेआउट स्कीमेटिक, मैं इसका थोड़ा इंटरफेस भी आपको दिखा देता हूँ कि इजी टू यूज़ है कि नहीं है। तो मैं यहाँ पे ये देख सकते हैं, जैसे आपने खोला, आपने एक चीज़ को खोला, आप उसमें बोर्नियो में आपने देखा होगा कि आपको इसको पेयर करना पड़ता है, पर यहाँ पे आपको कॉम्बिनेट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका यहाँ पे बहुत ईजी तरीके से खुल भी चुका है सब कुछ, और यहाँ पे आप डायग्राम पे भी जा सकते हैं, बहुत ईजी टू यूज़। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे डबल क्लिक की, तो आप डबल क्लिक जैसे ही करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही इजी यूज़ यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है सारे लाइनों के बारे में, मतलब चलाने में थोड़ा सा बहुत इजी टाइप का लग रहा है। और चलिए ये तो हमारा डायग्राम की बात हो गई। अगर डायग्राम के अलावा मैं बात करूँ, यहाँ पे बहुत सारे डायग्राम्स हैं, ये यूज़ करने में भी आपको काफ़ी मदद दिखने को मिल रहा है यहाँ पे, कि आप इसको फिर बड़ा या छोटा भी कर सकते हैं, या इतना बड़ा भी कर सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग आप इसको भी बड़ा छोटा कर सकते हैं। सारा कुछ यहाँ पे डायग्राम्स आप पढ़ सकते हैं, जूम इन जूम आउट कर सकते हैं यहाँ पे, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, सारी सप्लाईयों के बारे में डिटेल देख सकते हैं आप। तो चलिए उसके बाद देखते हैं क्या फंक्शंस हैं इसमें। पहला तो हो गया सर डायग्राम, यहाँ पे डायग्राम आप देख सकते हो। डायग्राम के बाद विड मैप, तो विड मैप भी इनमें काफ़ी सारे मॉडल्स, ओप्पो वीवो सैमसंग सारे मॉडल लगभग लगभग यहाँ पे मेन मेन जो मॉडल्स हैं यहाँ पे एडेड हैं। तो यहाँ पे अगर आप मॉडल देखना चाहेंगे तो यहाँ पे भी आप मॉडल देख सकते हैं, काफ़ी सारे मॉडल्स इसमें भी हैं। तो बोर्नियो, आप बोर्नियो अगर यूज़ कर रहे हैं तो एक बार फ्री ट्रायल जरूर इसको यूज़ करिए, जिसमें आपको डायग्राम्स यहाँ पे, विड मैप यहाँ पे अगर बात करूँ तो देख सकते हैं डायग्राम के साथ, विथ डायग्राम के साथ खुल रहा है गाइस। ये बहुत ही अच्छा है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इनका विड मैप का स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हो, आप यहाँ पे सारे कॉम्पोनेंट के नंबर, वीडीडी लाइन, यहाँ पे सारा कुछ जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, कॉम्पोनेंट्स के नेम क्या नेम है, एल मतलब कॉयल लगा हुआ है जैसा कि आप देख सकते हैं, और यहाँ पे वीडीडी की लाइन है, ये सारा कुछ गाइस आपको देखने को मिले। ये वीआरईजी की लाइन है, S6 1.9 वोल्टेज, यहाँ पे हर एक मतलब आपको टच करने की जरूरत नहीं है, ये लाइन कौन सी है, सप्लाई कौन सी है, ये सप्लाई काम की होती भी है या नहीं होती है, आपको यहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। देख सकते हैं मैं जिस भी कॉम्पोनेंट पे रख रहा हूँ, हर एक कॉम्पोनेंट की डिटेल, कि वो कैपेसिटर है, जैसा कि सी देख रहे हैं कैपेसिटर, तो कॉम्पोनेंट, ये सारी चीज़ों का नॉलेज अगर आपको लेना है गाइस, तो एक ऐसे टेलीकॉम आपको ज्वाइन करना ही पड़ेगा। तो VDD 1.0 वोल्टेज, ये सारा कुछ यहाँ पे आपको दिखाई दे जाएगा। यहाँ पे कॉयल, एल का मतलब कॉयल, ये जूम आउट जूम इन बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं, किसी भी सेक्शन पे जा सकते हैं। अभी देखिए टच करेंगे तो साइड में ये फैसिलिटी तो वाकई में अच्छी है, यहाँ पे ब्लिंक होने लगी है कि ये लाइन को, ये लाइन मतलब विड मैप का ये होता है कि आपको ये लाइन जरूरी है कि नहीं है। विड मैप से एक फायदा और होता है, अगर आप किसी आईसी पे काम कर रहे हो और आईसी के पैड सुखड़ जाते हैं, तो आप उस आईसी को पैड से देख सकते हैं कि वो सप्लाई जा रही है कि नहीं जा रही है। एनसी है तो कोई सप्लाई नहीं जा रही होगी, बट एनसी नहीं है तो वहां पे आपको ब्लिंक कर देगा कि आप यहाँ से जम्पर ले सकते हैं या यहाँ पे आप इस लाइन को सही कर सकते हैं। ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी है पर नॉलेजेबल है, ये मैं आपको लाइव प्रैक्टिकल कर रहा हूँ, ऐसे ही लाइव आपको आपको भी ट्रेस करना है। और जैसे मैंने यहाँ पे किया, तो आप सीधा सेक्शन पे अगर आप देखेंगे तो आप आईसी में भी जा करके यहाँ पे देख पा रहे हो कि अगर मैं किसी कॉम्पोनेंट को टच कर रहा हूँ तो वो आपके डायग्राम में वो कॉम्पोनेंट कहाँ लगे हैं। मतलब इसके साथ साथ आपको विड मैप के साथ साथ आपको यहाँ पे स्कीमेटिक डायग्राम भी देखने को मिल जाता है, ये लाइनें आपको दिखाई दे जाएंगी गाइस। जैसा कि मैं थोड़ा सा जूम कर दूं, यहाँ पे जूम करेंगे तो वो हाईलाइट हो जाएंगे, जो हमारा कॉम्पोनेंट, जिस कॉम्पोनेंट पे मैंने यहाँ पे टच किया हुआ है, ये देखिए वो कॉम्पोनेंट यहाँ पे हाईलाइट हो चुका है। तो ये आपको सब कुछ बता देगा कि कहाँ पे लगा है, किस लाइन पे लगा है, ये रिसीवर सेक्शन है, कौन सा सेक्शन है, सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। देख सकते हैं यहाँ पे सब कुछ ये ऑलरेडी, तो फिलहाल बहुत ही बेस्ट है। और चलिए अब अपने दूसरे फंक्शंस के ऊपर चलते हैं, कि और इसमें देख लेते हैं क्या चीज़ें आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो। कस्टमाइज़ करने के साथ साथ इजी टू यूज़ है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। अब उसके बाद आ जाता है मोबाइल हार्डवेयर सॉल्यूशन, जो कि ये भी इस पर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आपके लैपटॉप्स के ऑप्शंस मिल जाते हैं। बाकी मैं हार्डवेयर सॉल्यूशंस की बात करूँ तो इसमें भी काफ़ी सारा
आप देख सकते हैं डाटा ये डाल रहे हैं और डेली डेली बाय डेली ये अपडेट भी कर रहे हैं। यहाँ पे अबाउट डाइवर्ट मोड टेस्टिंग, मतलब आपको ये भी, चलो मैं खोल के दिखा देता हूँ आपको, तो आप बिल्कुल जाइए, डिस्क्रिप्शन पे लिंक भी मिल जाएगी, आप सेटअप को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने दिया है बेसिक टेस्टिंग के बारे में बताया हुआ है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें, डाटा बेस, डाटा सीट एंड पिन आउट्स, अभी मैं आपको और भी करके दिखाऊंगा। तो ये टेस्टिंग कैसे करना है वो सारा कुछ यहाँ पे इन्होंने डिटेल डाला है कि मल्टीमीटर का प्रोब कौन सा होना चाहिए, डायोड वैल्यू क्या होता है, बजर मोड क्या होता है, ये सारा उन्होंने भी अपडेट किया हुआ है, जो कि ये बोर्नियो में भी नहीं है। और क्योंकि टेस्टिंग अगर नहीं आती है तो आप कुछ भी नहीं काम कर पाएंगे, फिर आपके लिए डायग्राम या बोरियो या इसके या आपका प्रेग्मा फिक्स की बात करूं तो ये कुछ भी समझ में नहीं आना है। तो आपको कंपोनेंट का नॉलेज, आपको ट्रेसिंग का नॉलेज, आपको एसे टेलीकॉम ज्वाइन करने से ही मिलेगा, जैसा कि हर एक चीज प्रैक्टिकल तरीके से जब तक आप नहीं करोगे तब तक नहीं होगा। तो चलिए मैं फिलहाल का फोनों का, कुछ भी फोनों का यहाँ पे हार्डवेयर सोल्यूशन देख लेता हूँ। तो हार्डवेयर सोल्यूशन भी इन्होंने काफी सारे लगभग मॉडलों का ऐड कर दिया है, जो वीवो का जनरली नहीं मिल पाता है, पर यहाँ पे इन्होंने ऐड कर दिया है। तो चलिए एक बार इसके हार्डवेयर सोल्यूशन को भी आपको देख करके मैं आपको बता दूँ कि कैसा इसका स्ट्रक्चर दिखता है सारा कुछ यहाँ पे। तो चलिए हार्डवेयर सोल्यूशंस Vivo Y90C PT1818A, तो अभी एक खुल रहा है यहाँ पे, और इसकी जो फास्ट आप देख रहे हैं, मतलब इन्होंने गाइस ये भी बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने एक पेज में ही डाल दिया। अगर आप देखोगे, अगर बोर्नियो से कंपेयर करोगे तो उसमें आपको हर एक सेक्शंस को जाना पड़ता है, पर इन्होंने कोई कॉपी नहीं किया हुआ है, इन्होंने इनका खुद का है जो कि अपडेट कर रहे हैं अपने आप को। तो देख सकते हो यहाँ पे सारा कनेक्शन जो है आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ये देख सकते हैं कि कौन सी डिस्प्ले की ग्राफिक्स की लाइन कहाँ से जा रही है, 1.8 कहाँ से आ रहा है, 2.8 कहाँ से आ रहा है, ये सारा कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। CPU से आ रहा है, पेज 1, पेज 2, हर एक सेक्शन के बारे में लिखा हुआ है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। कौन सी सप्लाई, लाइट की सप्लाई हमारी क्या लगी है, 6 लेग की IC लगी है, कहाँ से उसको बीपेज वोल्टेज मिल रहा है, मतलब अच्छा है। और सारा कुछ यहाँ पे भी देख सकते हो, मतलब इन्होंने भी एक अलग लेवल का ही बना के रखा हुआ है, आपको हर एक पेज में जाने की जरूरत नहीं है। और मेरे ख्याल से तो इन्होंने A to Z सेक्शंस डाल दिए, मैं यहाँ पे सारे सेक्शन नहीं कर सकता क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि अभी और भी डिटेलिंग है, फुल गाइडलाइंस के थ्रू ये वीडियो है। ये नेटवर्क सेक्शन का भी इन्होंने बहुत अच्छा डीप नॉलेज, हालांकि सप्लाइयाँ तभी समझ में आएंगी आपको क्योंकि इन सप्लाइयों के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये तो आपको ट्रेसिंग करके बताया हुआ है, अगर लाइन ब्रेक हो जाती है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, पर सोल्यूशंस आपको इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने पे ही मिलेगा पर्टिकुलर। तो देख सकते हैं यहाँ पे Wi-Fi ICO, नेटवर्क ICO, 12 पेज, मतलब 12 सोल्यूशंस यहाँ पर डले हैं, मतलब 91 अगर आपके पास प्रॉब्लम आता है तो जनरली जो भी बेसिक प्रॉब्लम होते हैं उसके सोल्यूशंस हैं, पर इसके कंपोनेंट के नॉलेज, इसके सोल्यूशंस को सबको आपको आना चाहिए। तो काफ़ी अच्छा है, जैसा कि मैं आपके सामने लाइव ही कर रहा हूँ, फ्री ट्रायल, इसको पूरा पर यूज़ आप कर रहे हो, कुछ भी बग नहीं है यहाँ पे। जब आप इसको रजिस्टर्ड करा दोगे तो सेम चीज़ आपको देखने को मिलेगी। ये 3 इंटरफेस को मैंने बता दिया यहाँ पे। अब लैपटॉप के बारे में है तो लैपटॉप अभी नहीं है, ऑनलाइन ट्रेनिंग बुक्स भी है यहाँ पे, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑनलाइन ट्रेसिंग ट्रेनिंग वीडियोस भी है यहाँ पे, और यहाँ पे डाटा सीट भी है। तो चलिए ये भी थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। तो मैं बुक की बात करूँ तो यहाँ पे आईफोन्स की बुक यहाँ पे है, लैपटॉप्स के यहाँ पे बुक है, मैकबुक के यहाँ पे बुक है, और यहाँ पे मोबाइल बेसिक MMC के बारे में भी है, जैसा कि आप देख सकते हो मोबाइल फोन्स, और यहाँ पे रिपेयरिंग सारा कुछ यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है, बेसिक रिपेयरिंग MMC के बारे में इन्होंने डाल के रखा हुआ है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। जैसे चलिए मैं एक थोड़ा MMC का ही खोल के आपको एक डाटा सीट या इनकी बुक दिखा देता हूँ, हिंदी में है कि नहीं है, हिंदी में भी है, चलिए मोबाइल फोन रिपेयरिंग हिंदी। तो इन्होंने चैप्टर्स भी डाले हुए हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2। तो गाइज अकॉर्डिंग टू बोर्नियो, ये आपको यहाँ पे इसकी जो प्राइसिंग की अगर मैं बात करूँ तो ये सारा डिटेल आपको तो मिलेगा, जेडेस मलिक जो भी आपको नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है वो आपको प्राइस का बहुत ही अच्छे से बता देंगे सारा कुछ। तो फिलहाल और भी बुक देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। ये तो अपने पे चैप्टर 1 में अपने इंट्रो के बारे में डाला हुआ है, ये सारा कुछ ये देखिए खुल गया, हालांकि उस टाइम पे खुला नहीं था, ये 31 पेजेस का है, ये देख सकते हो हर एक चीज लिखा हुआ है, एप्पल कंप्यूटर में उस समय आईफोन में पेश किया जाने वाला वगैरह वगैरह, हिंदी में साफ साफ लिखा हुआ है। तो अच्छा है, बेस्ट है, आप इसे बिल्कुल ले सकते हो, फ्री ट्रायल करिए। मैं एक MMC का खोल के आपको दिखा देता हूँ, बहुत सारे टाइम मैंने खोल के रखा है इसका, एक बार मैं हाईलाइट भी करूंगा आपको यहाँ पे, मोबाइल फोन MMC, हिंदी, इंडोनेशियन में भी है, इंग्लिश में भी है, 3 लैंग्वेज में है गाइस। तो
बेटर है, आप अगर इंग्लिश ज़्यादा बेटर है तो इंग्लिश चूज़ कर सकते हैं, हिंदी चूज़ कर सकते हैं, या फिर आप इंडोनेशिया से हैं तो आप इंडोनेशियन लैंग्वेज भी देख सकते हैं। तो चलिए वीडियोस की बात करें, तो मैं यहाँ पे अगर वीडियोस की बात करूँ तो ऑनलाइन ट्रेनिंग वीडियोस, तो यहाँ पे मोबाइल रिपेयरिंग बेसिक इंग्लिश इंडोनेशिया, MMC के बारे में वीडियो डले हैं, UFI बॉक्स के बारे में भी डले हैं। तो फिलहाल पहले मैं मोबाइल रिपेयरिंग बेसिक देख लेता हूँ, पर मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया है इंडोनेशिया। मैं इंग्लिश ले लेता हूँ, इंग्लिश में मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या वीडियोस हैं इसमें। तो एप्पल यहाँ पे, चलिए कोई भी एक खोल लेते हैं। तो इसमें वीडियोस की अगर मैं बात करूँ तो आपको यहाँ पे We go वीडियोस भी मिल to जाता है, देख सकते हैं यहाँ पे, the second ये हैं session in सारा about कुछ। faith, बढ़िया है word, ट्रेनिंग, मतलब good एक टूल में आपको इतना कुछ communication देखने को मिल रहा within. है, बहुत ही बेटर है। बाकी नेक्स्ट करते हैं, और नेक्स्ट में देखते हैं क्या है यहाँ पे। फिर यहाँ पे डाटा सेट भी देख लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे जो हमने यहाँ पे ट्रेनिंग बुक्स देख ली, वीडियोस देख ली, उसके बाद यहाँ पे डाटा सेट पिनआउट्स के बारे में देख लेते हैं। ये डाटा सेट देखिए, क्वालकॉम मीडियाटेक MMC। तो पहले तो हम MMC में देख लेते हैं। तो यहाँ पे डाटा सेट भी आपको बहुत मजा आता है, काफ़ी MMC के सारे डाटा, ID क्या होती है, डाटा ऑन, तो ये आपको पढ़ने में एक डीप नॉलेज देगा यहाँ पे MMC के बारे में, MMC सैमसंग के बारे में। तो मैं सारे खोल के नहीं देख सकता, आप ट्राई कीजिए, अगर ये आपको अच्छा लगता है अपडेट तो ये देख सकते हैं। पूरा डाटा सीट लिखा हुआ है कि सैमसंग की अगर आपकी स्टोरेज IC है, बेसिकली इसको EMCP बोलते हैं, MMC बोलते हैं, UFS बोलते हैं, ये हमारी स्टोरेज IC होती है। मैं आपको बता दूं यहाँ पे, अब ये स्टोरेज IC के बारे में MLC SLC, ये सारा कुछ जो मैं आपको बता रहा हूँ, सारा कुछ यहाँ पे डिटेल लिखा हुआ है गाइस, फुल उसके इन्फॉर्मेशन के बारे में, एक हर एक BGA के बारे में, 153, 221, यहाँ पे जितना भी मैं नाम ले रहा हूँ, ये सारा कुछ बीजे आपको देखने को मिल जाता है। जब आप इसको पढ़ोगे, आप इसके डाटा सीट के बारे में पढ़ोगे, तो ये पूरा नॉलेज आपको देने वाला है, क्योंकि मैं यहाँ पे तो आपको पढ़ के सारा कुछ नहीं बता सकता। बाकी आप इसे 37 पेज का, ये है जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, 37 पेज। तो सैमसंग की जो स्टोरेज IC है, इसके पाथ नंबर, ये भी बहुत अच्छी बात है कि लोग नहीं पहचान पाते हैं कैसे कौन सी हमारी है। तो ये पाथ नंबर 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB का रैम जो है, उसको कैसे आप पहचानेंगे, तो इसकी हर एक की कोडिंग लिखी हुई थी, M4, M8, MA, MB, MB मतलब आपका 32, MA 60, 16, और यहाँ पे 8, और यहाँ पे 4। तो ये आप देख सकते हो किसके साथ ये मैच करता है, MLC, यहाँ पे ये सारा कुछ नॉलेज आपको मिल जाता है। तो मतलब बहुत ही अच्छा है, एक लेवल जो जनरेट होता है कि MMC का, सब कुछ है यहाँ पे आपको, ये जो डाटा सेट है गाइस। तो बिल्कुल आप ये बोर्नियो में नहीं डला है, कोई भी डाटा सेट नहीं डला है, हार्डवेयर सोल्यूशंस, बस ये सारी चीज़ें बेसिक नॉलेज यहाँ पे है, बाकी इसमें तो काफ़ी सारा पूरा MMC का डाटा सेट ही है गाइस। अगर आप इसको देख करके भी हर एक चीज़ देख सकते हो, MMC वर्जन 4.3, प्रोग्रामिंग विथ डाटा, ISO सिस्टम ओवरव्यू इन्होंने बता दिया है, फॉइल फॉर्मेट बता दिया है। वीडियो थोड़ी सी बड़ी थी, पर ये मैं पूरा आपको नॉलेज के साथ वीडियो बताया, कैसे इसको यूज़ करना है, कैसे फ्री में यूज़ करना है, क्या क्या इसमें फंक्शंस है, सब कुछ यहाँ पे। मीडियाटेक का डाटाबेस, कि मीडियाटेक जो CPU है उसमें क्या क्या चीज़ होगा, तो ये देख सकते हैं, अमेजिंग है यार। मतलब जो CPU है, CPU की हर एक डिटेल, पावर IC की डिटेलिंग यहाँ पे, CPU यहाँ पे आप देख सकते हैं। मीडियाटेक से रिलेटेड अगर मैं कोई भी एक अगर खोल के बात करूँ, जब इतना कर रहा हूँ तो 2 मिनट और रुकी, अगर आपने यहाँ तक देखा है वीडियो को तो ओपन हो रहा है मीडियाटेक। तो देख सकते हैं MT6589, और उसका जो भी डाटा सीट है, मतलब मीडियाटेक का भी 53 पेज का है गाइस, इसके सारे सेक्शंस, ये इसका इंट्रो है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मीडियाटेक में क्या क्या चीज़ें होती है, 4G, 3G, TG, 2G, यहाँ पे तो सब कुछ मेंशन है, A to Z, कौन कौन से सेक्शंस जुड़े रहते हैं, कौन से सेक्शन कहाँ से आ रहे हैं, MT6589, क्या क्या सेक्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, AP, मॉडेम, और यहाँ पे मॉडेम, MCU, मीडिया, ये सारा कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। हर एक बॉल्स के पिनआउट्स भी मिल रहे हैं कि कौन से पिन पे ग्राउंड है, कौन सा NC है, कौन सी क्या है, हर एक चीज़ पिन आउट। तो बहुत ही बेस्ट है एक, ये आपको ये सारा नॉलेज इस एक टूल में मिल रहा है। और आप बोर्नियो की अगर मैं बात करूँ तो बोर्नियो से कम प्राइस पे भी ये टूल है। तो ये काफ़ी बड़ी वीडियो हो गई, और यहाँ पे क्वालकॉम का भी है, MTK, क्वालकॉम, इन फ्यूचर स्पेक्ट्रम, और भी जो
हाई सिलिकॉन, उनके भी ऐड करते चले जाएंगे। तो ये पीएम देख सकते हैं, पावर मैनेजमेंट, एमएसएम ये सीपीयू का नंबर हो गया, पीएमयू ये मेन पावर होता है। इसके जो कोडिंग्स हैं, आप ये आरएफ हो गया हमारा, एसडीआर का, डब्ल्यूटीआर का, तो ये सब कुछ आपको मिल जाता है। डब्ल्यूसीएन क्या होता है, ये सब आपको एक इंस्टीट्यूट में ही मिलेगा जो आप ऐसे टेलीकॉम बिजनेस कर सकते हैं सब कुछ। तो WSDR ये हमारी RFIC होती है। मैं आपको हर एक वीडियो में इतना मैंने कवर कर दिया है बेसिकली। तो और भी नॉलेज आपको चाहिए ऐसे टेलीकॉम, आप ज्वाइन करिए। बाकी ये मैंने इसके बारे में फुल मेंशन कर दिया है, जैसा कि आपको मैंने फुल डिटेल बता दी है, इस टूल में क्या है क्या नहीं है, लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो इस वीडियो को आपने देखा, अगर देखा है तो कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसी लगी, नॉलेज वीडियो थी या नहीं थी। हर एक मैंने सब कुछ यहाँ पे फुल डिटेल के साथ आपको यहाँ पे बताया है, कैसे इसको रजिस्टर्ड करना है, कैसे इसको रजिस्टर्ड नहीं करना है। आपको 2 डे लेफ्ट यहाँ पे शो भी कर रहा है, ये हमारी जीमेल आईडी है, और इसी आईडी से रजिस्टर्ड करके आप इसको एक्टिवेट करा सकते हैं, एक्टिवेट कोड लेकर के। तो आई होप वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।